3 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान देशभर में नवरात्रि बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं यदि ज्योतिष की माने तो इस बार 2024 में शारदीय नवरात्रि में माता रानी का वाहन पालकी होगा। वैसे तो माता रानी का मुख्य वाहन सिंह है, लेकिन वार नक्षत्र आदि गणना के अनुसार वाहन हर साल बदलता है, जो कोई ना कोई संकेत लेकर आता है। उत्तराखंड के नैनीताल निवासी पंडित प्रकाश जोशी बताते हैं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से होगी। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी रहेगा। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन से होती है तो माँ की सवारी डोली या पालकी होती है। ये नवरात्र का पर्व जो है संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये 9 दिन का बड़ा वो होता है प्रथम नवरात्र से। तो इस बार जो है दिनांक 3 अक्टूबर से 2024 से जो है नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। वहीं इनका समापन जो है 11 अक्टूबर को होगा। तो इसमें जो है इस बार जो है माता रानी जो है पालकी में सवार होकर आएगी नवरात्र में, क्योंकि वैसे तो देवी मैया का वाहन सिंह है, इसलिए उसे सिंहवाहिनी भी कहते हैं दुर्गा माता का। तो जो नवरात्र में जो है ये अपने वाहनों को बदल बदल के आती है प्रतिवर्ष। कभी हाथी में आती है तो कभी घोड़े में, कभी पालकी में तो कभी नौका में। तो इसके लिए जो है हमारे ग्रह नक्षत्र और नक्षत्रों के आधार पर और दिन के हिसाब से अपने वाहन उनके बदलते रहते हैं। जो इस बार है तो पालकी में सवार होकर आएगी माता रानी गुरुवार को होने के वजह से। इस संबंध में एक हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है कि यदि शशि सूर्य गजरूड़ा शनि भूमे तुरंग में गुरु शुक्रेत दौलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता, अर्थात यदि सोमवार और रविवार को देवी मैया आए प्रथम नवरात्र के दिन, अगर ये बार पड़े ये दिवस पड़े तो जो माता का की सवारी होती है वो हाथी की सवारी है, ये बड़ा शुभ माना जाता है। इसके बाद शनि भूमे तुरंगे में, और शनि और मंगलवार के दिन आए तो घोड़े में सवार होके आती है, तो ये अशुभ माना जाता है। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार को यदि माता रानी का आगमन हो तो उस दिन जो है पालकी में या डोली, दौलायाम संस्कृत शब्द पालकी को कहते हैं, डोली कहते हैं उसको, तो इसमें जो है ये भी कुछ अशुभ माना जाता है। उसके उपरांत जो यदि बुधवार को यदि माता रानी का आगमन हो तो उस समय जो है नौका में सवार होके माता रानी आती है। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।